20,000 का अंदर ऐसा एक मोबाइल लॉन्च होने वाला है जो आप लोग को PUBG एंड BGMI का अंदर डिफॉल्ट का अंदर 90 पे सपोर्ट देता है, क्योंकि इस मोबाइल का अंदर है Snapdragon 8 Gen 3 एंड साथ साथ आप लोग को कंप्यूटर का डिस्प्ले मिलते है। मतलब आप लोग सोच लो, ये एमुलेट का बाप वाला सीन होने वाला है, मतलब डिस्प्ले होने वाला है जो आप लोग को OLED डिस्प्ले सपोर्ट देता है, मतलब कंप्यूटर का जैसा। एंड आप लोग को साथ साथ मिलता है एक सोनी का धमाकेदार कैमरा, मतलब आप लोग को जो कैमरा मिलते हैं वो सोनी का मिलते हैं। मतलब ज़्यादातर मोबाइल के अंदर सैमसंग है बट इस मोबाइल के अंदर सोनी है, तो मतलब आप लोग समझ सकते हो कितना बढ़िया आप लोग को जो कैमरा है वो शेयर करने वाला है इस मोबाइल। एंड आप लोग को जो बैटरी मिलते हैं वो 5000 से भी ज़्यादा, मतलब आज तक हम लोग क्या देखा 20,000 का अंदर जो भी मोबाइल लॉन्च होता है उसका अंदर ज़्यादातर मोबाइल के अंदर 5000 है। एंड इस मोबाइल का अंदर आप लोग को और भी ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है इस वीडियो पूरा एंड तक देखो, आप लोगों के लिए इस वीडियो में बनाया। एंड आप लोग देख सकते हो 20,000 का अंदर 5000 तो मिल जाता है बैटरी, बट फास्ट चार्जिंग हम लोग को क्या देखने मिलता है 33 वाट लास्ट यही देखने मिलता है, एंड हो सकते हैं 45, बट उससे ज़्यादा कभी हम लोग को नहीं देखने मिलते। बट इस मोबाइल का अंदर आप लोग देखो 5000 से ज़्यादा बैटरी एंड 90 वाट, मतलब 90 वाट का आप लोग को फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलते है, मतलब 0 to 100 आप लोग को कर देगा सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का अंदर। तो आप लोग सोच लो कैसा मोबाइल हो सकता है, ठीक है। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मेरे 100 लाइक का बराबर है। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इस मोबाइल का अंदर जो डिस्प्ले है डिस्प्ले से स्टार्ट करने वाला, उसके बाद आप लोग इस मोबाइल का नाम देख लेना, क्योंकि हम लोग को नाम से कोई फायदा नहीं, हम लोग को सिर्फ काम से फायदा। तो इस मोबाइल का अंदर आप लोग को जो डिस्प्ले मिलते हैं 6.67 इंच का फुल HD प्लस एक OLED डिस्प्ले, जो ज़्यादातर कंप्यूटर का अंदर इस्तेमाल होता है, वो सेम डिस्प्ले आप लोग को 20,000 का अंदर इस मोबाइल का अंदर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एंड आप लोग को मिलते हैं 120Hz का रिफ्रेश रेट, मतलब 90fps का बाद जब 120fps आएगा इस मोबाइल भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो गाइस अभी आता हूँ इस मोबाइल का अंदर जो कैमरा है, क्योंकि मैं आप लोग को पहले ही बोला इस मोबाइल का अंदर आप लोग को जो कैमरा मिलता है सोनी का, तो इस मोबाइल का अंदर आप लोग को 64MP का सोनी का कैमरा मिलता है धमाकेदार, ठीक है। एंड 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2MP का मैक्रो, एंड आप लोग को मिलता है फ्रंट का अंदर, मतलब सेल्फी का अंदर आप लोग को मिलेगा 16MP का एक एंजल फ्रंट कैमरा, ठीक है। तो गाइस अभी आता हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड, क्योंकि बहुत सारा बंदा ऐसे होते हैं जो मोबाइल खरीदने के बाद एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना पड़ता है, उन लोगों के लिए इस मोबाइल एकदम बढ़िया काम किया, क्योंकि इस मोबाइल के अंदर आप लोग को 4K का अंदर 30fps एंड 180p का अंदर 60fps, एंड ज़्यादा लोग 180p का अंदर 180p का अंदर 60fps यूज़ करता है, तो सेम इस मोबाइल के अंदर एकदम बढ़िया स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोग को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो गाइस अभी आता हूँ बैटरी, तो गाइस आप लोगों को मैं पहले ही बोला इस मोबाइल के अंदर जो बैटरी है 5000 से भी ज़्यादा, तो गाइस एकदम सही, इस मोबाइल के अंदर आप लोग को 5500 वाला एक बड़ा सा बैटरी मिलता है, जो आप लोग को 90 वाट का मतलब 90 वाट का फास्ट चार्जिंग का साथ आता है, ठीक है। मतलब 0 to 100% आप लोग को 15 मिनट के अंदर कर देगा इजीली, ठीक है। तो गाइस अभी आता हूँ इस मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है, तो इस मोबाइल के अंदर आप लोग को मीडियाटेक डायमेंसिटी का 8300 अल्ट्रा, तो गाइस पहले आप लोग को मैं क्या बोला 8 Gen 3, बट ये जो प्रोसेसर है ये 8 जेन 3 से भी एकदम बढ़िया तगड़ा वाला प्रोसेसर, क्योंकि इसका अंदर जो आंतो स्कोर है वो है 2 मिलियन का आसपास, मतलब आप लोग सोच सकते हो कितना बढ़िया तगड़ा वाला गेमिंग प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा का। तो ये जो प्रोसेसर है एकदम न्यू लेटेस्ट वाला प्रोसेसर, ठीक है। तो गाइस अभी आता हूँ इस मोबाइल का नाम, क्योंकि आप लोग बहुत देर तक वेट कर रहे हो कौन सा मोबाइल हो सकता है जो ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस ओनली 20,000 का अंदर शेयर कर रहा है। तो गाइस चलो आप लोग को मैं इस मोबाइल का जो नाम है वो आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो इस मोबाइल का जो नाम है वो है Redmi K70E। तो ये जो मोबाइल है अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, बट ये जो मोबाइल है आप लोग को 11 अप्रैल, मतलब अभी क्या चल रहा है मार्च, और ये एक महीना बाद ही, मतलब थोड़ा दिन का बाद, मतलब आज कितना तारीख हो गया, आज 19 तारीख हो गया, मतलब और 10 दिन का बाद ही इस मोबाइल लॉन्च होने वाला है एक धमाकेदार प्राइस रेंज का साथ। तो कौन सा प्राइस रेंज का साथ आएगा आप लोग पूरा एंड तक देखो, मैं आप लोग को जरूर बताने वाला हूँ, आप लोग पूरा एंड तक देखो सिर्फ। एंड पहले आप लोग इस रेडमी के 70 का जो डिस्प्ले है वो चेक कर लो, मतलब डिस्प्ले क्या बोल रहा हूँ, जो डिज़ाइन लुकिंग साइड जो है बहुत ही बढ़िया मेरे को लग रहा है, आप लोग भी देख सकते हो एकदम बढ़िया, ठीक है। तो गाइस अभी आता हूँ इस मॉल का जो प्राइस, मतलब इस रेडमी के 70 का जो प्राइस, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो इस रेडमी के 70 का जो प्राइस जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है 24,000, मतलब 26,000 का अंदर आएगा, ठीक है। बट मैं आप लोग को क्या बोला है 20,000 का अंदर इस मोबाइल आएगा। तो गाइस बहुत सारा लोग अभी सोच रहे हैं
ये तो हम लोग को उल्लू बनाए। गाइस मैं आप लोग को उल्लू नहीं बनाए, क्योंकि मैं आप लोग को मालूम है मैं एकदम ठीक ठाक ही वीडियो बनाता हूँ, एकदम रियल वीडियो। तो क्यों बोल रहा हूँ, देखो इस मोबाइल का जो प्राइस है वो 20,000 का अंदर ही लॉन्च होगा। क्योंकि देखो ये जो मोबाइल आप लोग देख पा रहे हो 24,000 का दिख रहा है हम लोग को, इसका जो रैम है वो चेक करो, 12GB रैम। तो 12GB रैम का जो प्राइस है वो 24,000 का अंदर दिख रहा है, ठीक है हम लोग को। जो इसका नीचे क्या होता है 8GB रैम, उसका प्राइस होगा कितना, 21,000 ऐसा, ठीक है। तो आप लोग सोच लो 6GB लॉन्च नहीं हुआ, एंड हो भी गया तो उस 6GB का कितना प्राइस आएगा, एंड उसका बाद भी तो ऑफर है बहुत सारा बैंक का। तो आप लोग का ये जो मोबाइल है इसका जो प्राइस होगा ऑफर लगाने का बाद आप लोग को 19,000 का अंदर भी आ जाएगा। क्योंकि आप लोग ध्यान से देखो 12GB रैम का जो प्राइस है 24,000 एक्सपेक्ट कर रहा है, तो 8GB रैम का कौन सा प्राइस होगा, होगा 22,000, 21,000, एंड 6GB का उससे भी नीचे होगा। तो ये जो वाले एकदम बढ़िया जो 20,000 का अंदर आप लोग ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस शेयर करते हैं, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो का अंदर सिर्फ यही बोलने वाला था, आप लोग को 20,000 का अंदर कोई भी मोबाइल बाई करना है इस मोबाइल एक बार देख लेना, रेडमी K70E। तो इस Redmi K70E अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, बट जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस ये जो मोबाइल है एकदम बढ़िया मोबाइल जो 20,000 का अंदर आप लोग कैसा ऐसा परफॉर्मेंस शेयर करते हैं, एंड हो सकता है इस मोबाइल का जो प्राइस है और भी नीचे आ जाए। तो मैं आप लोग को क्या करूँगा, इसका पूरा डिटेल शेयर करने वाला हूँ। इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, इसका जो प्राइस है कितना पे आएगा, कितना रुपए पे आएगा, मैं आप लोग को पूरा उस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आप लोग उस वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, क्योंकि आप लोग ही तो चाहो एक अच्छा मोबाइल बाय करना है मेरे को। तो आप लोग इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हो सकते हैं इस मोबाइल का जो प्राइस है और भी नीचे आ जाए, एंड आप लोग को पता नहीं चला। तो गाइस मिलता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मेरे तरफ से बहुत सारा प्यार आप लोग को। तो गाइस चलो चलो चलो।